Hello friends and my dear students, welcome to my YouTube channel, a channel where you get complete solution of English language and literature for CBSE classes 9, 10, 11 and 12 and BSEB, that is intermediate classes 11th and 12th. Besides, we explain the chapters of Gulmohar Reader part 7 and 8 in Hindi. So friends, इस रेड बटन के द्वारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में यदि आप चाहते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे पोएम को जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। फ्रेंड्स, यूं तो पोएम का कोई न तो क्लास होता है न कोई बोर्ड होता है, वो किसी भी क्लास किसी भी बोर्ड में दिए जा सकते हैं, बट आज मैं इसको स्पेशली बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके 100 मार्क्स में इस पोएम से रिलेटेड MCQ और साथ में लाइन एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, तो इसलिए मैं आज इसको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियोज में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म आपको बता दें 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। उनको वैसे पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट मैंने बताया, इनको ध्यान में रखेंगे, है ना। और वो अमेरिकन थे। तो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब सेलिब्रेट है ना, कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ। कहने का सेलिब्रेट तो आप कहेंगे कि कोई पार्टी होता है या कोई फंक्शन होता है। तो सेलिब्रेट का मीनिंग दिया हुआ है आपके बुक में रिजॉइस या हैव ए गुड टाइम, है ना, कि मेरा अच्छा टाइम है, गुड टाइम है माई सेल्फ, है ना, अपने आप में। एंड सिंग माई सेल्फ, और माई सेल्फ के बारे में गा भी रहा हूँ। तो यहाँ माई सेल्फ खुद के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ माई सेल्फ अपने कंट्री अमेरिका के बारे में है। और समरी में ये सारी बातें होंगी, मेरा नेक्स्ट वीडियो समरी का ही होगा। तो एंड व्हाट आई अज्यूम मीन्स होता है एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू या सपोज, मानना। जो मैं मानता हूँ ना, यू शैल अज्यूम है ना, विल नहीं है, यानी अवश्य मानोगे। जो मैं मानता हूँ वो आप भी जरूर मानोगे। फॉर एवरी एटम, अच्छा फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए यहाँ नहीं है, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम हर कण हर चीज बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जो कुछ भी मेरा है ना, एक एक कण वो आपका है। धन संपत्ति के बारे में नहीं कह रहा है, ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं, मतलब दुनिया में ब्रदरहुड चाहते हैं। समरी में इन सब बातों का मेंशन होगा कि भाई ये हवा का, हवा मेरा तो आपका भी, ये धूप मेरा तो आपका भी, ये पानी मेरा तो आपका भी, ये धरती मेरी तो आपकी भी। ये वैसे वाले धन के लिए नहीं, लेकिन जो एकदम जीने के लिए जरूरी चीज़ है, तो जो मेरा है वो आपका है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, है ना, आई लोफ है ना, लोफ, लोफ का मीनिंग होता है आपको, ये हालांकि यहाँ पर ये ओल्ड स्पेलिंग है, अदरवाइज अंत में ई नहीं होता है, लोफ है ना, LOAF मॉडर्न स्पेलिंग है, इसका मतलब वॉन्डर यानी भटकना यानी घूमना। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं घूमता रहता हूँ, भटकता रहता, देखिए इसी से बना है लोफर, है ना, ए फलाना लड़का लोफर है, यानी हर समय जो घूमता भटकता रहे बवाता रहे, है ना, तो उसको कहेंगे कि लोफर है। तो भाई यहाँ पर है कि मैं घूमता हूँ भटकता हूँ, एंड इन्वाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को इन्वाइट करता हूँ, क्या, आई लीन एंड लोप एट माई ईज। जब भी है लीन, लीन मीन्स होता है आपको टेक सपोर्ट यानी रेस्ट, या जब भी, तो मैं घूमता हूँ और आराम भी करता हूँ, लीन एंड लोप एट माई ईज। ईज मीन्स होता है कि मैं जब फ्री टाइम में ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अब देखिए, मैं यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि मैं घूमता हूँ भटकता हूँ प्रकृति से, प्रेम के लिए घूमता भटकता हूँ, और मैं एक एक चीज जो प्रकृति का दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि मैं तो समर ग्रास का स्पीयर भी देखता हूँ। स्पीयर मीन्स होता है भाला, भाला जो लंबा सा होता है, जिसमें जैसे त्रिशूल में तीन होते हैं, है ना, डेंट, इसमें एक होता है ट्राइडेंट, वो त्रिशूल का हुआ, ये जो है, तो एक शूल, शूल कह लीजिए, भाला कह लीजिए, है ना, तो वही जो है, तो मतलब कि ग्रास में भी आप अब जब नीचे झुक करके, जमीन से जुड़ करके आप जब घास को देखेंगे, तो गर्मी का समर ग्रास जो है जब सूख जाता है, तो आपको नजर आएगा कि हाँ उसमें भाला की तरह चुभने टाइप का दिखने मिलेगा। तो यानी कि मैं प्रकृति से पूरा जुड़ा हुआ हूँ, है ना, और मैं प्रकृति के कृतियों को, जो मतलब क्रिएशन है नेचर का, गॉड का, उसको भी मैं गौर करता रहता हूँ। माई टंग
मेरी जुबान, टंग माने जीभ भी होता है, जुबान भाषा भी होती है, तो यहाँ पर जुबान कहिए भाषा चाहे जो भी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और हर कण जो मेरे खून का है, हर बूंद जो मेरे खून का है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, वो इसी मिट्टी से बनी है, इसी हवा से बनी है, यानी अपने देश की मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी के बारे में कह रहे हैं, और इसी हवा से है, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स। और हाँ एक बात और कहते हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ हम माता पिता से जन्मे हैं, बॉर्न बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और जो हमारे माता पिता थे उनके भी फिर माता पिता थे, एंड दियर पेरेंट्स द सेम, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, हम सब जानते हैं हर धर्म में कहा जाता है, वो क्रिश्चियन में कहा जाता है एडम और ईव दुनिया में पहले आए, इस्लाम में कहा जाता है आदम और हव्वा आए थे, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि हाँ भाई ये ईश्वर ने जो है वो एक पुरुष, एक नाम तो उसमें नहीं दिया गया है, कि रचना की थी एक महिला की, और उसी से पूरा संसार हुआ है, तो यानी शुरू में तो दो ही लोग से हम सब हुए, तो सबके कुल मिलाकर हमारे दादा के दादा के दादा देखेंगे तो सब सेम होंगे, ये जाति धर्म ये सब तो बाद में आया, तो इसीलिए कह रहा है ये कि आप इन सब चीज़ों को नहीं, क्योंकि हम सब समान हैं, और ये भी कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और हाँ आज मैं 37, यानी जब ये कविता लिख रहे थे तब वो जो है सो 37 ईयर्स के थे ना, मतलब परफेक्ट हेल्थ भी है, यानी इसी धरती इसी मिट्टी में बिगिन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और हाँ और मैं जो है वो मृत्यु तक जो है मैं सीज नहीं होऊंगा। अब सीज का मतलब क्या होता है, हाँ सीज मीन्स होता है बंद करना या अंत होना, तो मैं अंत तक जो है वो इसमें बैक नहीं होऊंगा, यानी मैं गाता रहूंगा, अपने देश की तारीफ करता रहूंगा, ठीक है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, क्रीड्स क्रीड्स मीन्स क्या होता है, क्रीड्स मीन्स आप जानते होंगे वैसे है ना, रिलीजन बिलीफ, यहाँ क्रीड का मतलब नस्ल नहीं, वो रिलीजियस बिलीफ, यानी अपने अपने धर्म का विश्वास है ना, और स्कूल्स इन एवियंस, स्कूल वो वाला नहीं जो हम समझ रहे हैं, स्कूल्स मीन्स सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि सोचना, अपनी परंपरा होना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बाबा लोग हैं, राम रहीम है, तो उनका अपना एक सोच चलता था है ना, वो दूसरे मतलब अपने एक एक थॉट रखते थे, एक विचारधारा उसको कह लीजिए है ना, तो ये यहाँ स्कूल का मतलब, इन एवियंस मीन्स सस्पेंडेड, यानी ये जितने भी स्कूल है ना, ये जो सोचने का जो तरीका है, सोचने का जो विचारधारा अपनी, उसको जाने दीजिए, सबकी अपनी विचारधारा हो सकती है। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ड है ना, सफिस्ड मीन्स होता है टू बी एनफ है ना, कि जो भी है हम इन चीज़ों से रिटायर हो जाएं, रिटायर मतलब इन सब चीज़ों से हम दूर चले जाएं, और यानी आराम करें है ना इस चीज़ों से, और जो है फिर कहता है ए वाइल सफाइस्ड, और हाँ सफाइस्ड है ये इसका प्रोनाउंसिएशन, यानी काफ़ी हुआ, ये सब काफ़ी हुआ, छोड़ो इन चीज़ों को है ना, एट व्हाट दे आर, जो कुछ भी हुआ है, यानी स्कूल इनका ये इनका ये, उससे छोड़ो, यानी उस विचारधारा को छोड़ो, बट नेवर फॉरगेटन, हाँ इतना याद रखो क्या, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कि मैं जो है वो हार्बर जो कर रहा हूँ, यानी मन में जो रख रहा हूँ, दिमाग में जो की जो सोच है वो क्या है, हमारा गुड है या बैड है, ये है ना, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड है ना, मैं हर हजार्ड, हजार्ड हजार्ड का मीनिंग आप कह सकते हैं डेंजर है ना, मैं हर डेंजर है ना, हर डेंजर पे ये बातें करता हूँ है ना, यानी कि खतरे में है ना, मैं हर खतरे पर हर बात पे बात करता हूँ, क्योंकि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, नेचर जो है प्रकृति जो है वो हमें बिना किसी चेक के, बिना किसी रुकावट के, चेक मीन्स रुकावट के, अपनी ओरिजिनल एनर्जी देती है। देखिए ये बेटर आपको हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनकी भाषा ऐसी है, क्योंकि इसको जब समरी की भाषा में हम पढ़ेंगे तभी ये बेटर समझ में आएगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसका होगा, उसको जरूर देख लेंगे है ना, और मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल में मैं दो तीन लाइन में इसको समअप कर देता हूँ। समअप ये है कि ये राइटर जो है, पोएट जो है, वो अपने देश की के बारे में तो गाते ही हैं, उसकी तारीफ तो करते हैं, क्योंकि हम सबको अपने अपने देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, दूसरी एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रदरहुड हो, यानी वैश्विक भाईचारा हो, क्योंकि हम सब में काटोगे तो खून सबका लाल ही है, सब वैसे ही खाते हैं, सब वैसे ही पीते हैं, सब हंसते हैं, सब गाते हैं, सब एक ही ईश्वर के संतान है ना, तो इनका ये वैश्विक ग्लोबल ब्रदरहुड की
मतलब जो है सो की पैरवी करते हैं, चाहते हैं कि दुनिया में जो है ब्रदरहुड हो, है ना, ग्लोबल ब्रदरहुड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे।